दीज क्वेश्चन दैट दी फादर ऑफ द विक्टिम हैव लेड इन फ्रंट ऑफ द नेशन टूडे दीज क्वेश्चन आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस बिकॉज ऑन द फाउंडेशन ऑफ द क्वेश्चन इज बेस्ड द इन्वेस्टिगेशन एंड द आउटकम ऑफ द इन्वेस्टिगेशन क्वेश्चन नंबर वन पहला प्रश्न और पिता पूछते हैं कि जब मेरी बॉटी बेटी की बॉडी वहां हमारे घर में रखी हुई थी उस समय डीसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नॉर्थ उन्होंने मुझे एक कोने में बुलाया और कोने में ले जाकर मुझे कुछ पैसे देने की कोशिश की मैंने इनकार कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए आप सोचिए पिता की मानसिक हालत आप सोचिए पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी जिस समय बेटी की लाश और वह भी इस हालत में आफ्टर द ब्रूटल मर्डर रिकॉन्साइल भी नहीं कर पाए होंगे वो अपने आप के साथ भी समझौता नहीं कर पाए होंगे वो समझ नहीं पाए होंगे कि मेरी बेटी के साथ आखिर क्या हुआ है और उस समय जब शव उनके घर में रखा हुआ था डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई और व्यक्ति नहीं कोई राजनेता नहीं एक एडमिनिस्ट्रेटर उन्हें कोने में ले जाता है और कुछ पैसे देने की कोशिश करता है पैसा आदमी कब देता है आदमी भ्रष्ट कब बनता है जब मुंह बंद रखाने की कोशिश की जाती है या कुछ छुपाने की कोशिश की जाती है या ऐसा किया जाता है कि भाई देखो हम तो आपको कुछ दे रहे हैं आप बदले में कुछ हमें भी दो कुछ बोलो मत ऐसा क्या था कि ममता सरकार ने डीसी को भेजा पैसे के साथ कि आप जाइए और जब शव घर में रखा हुआ है उस समय उनके माता पिता को खरीदने की कोशिश करिए

कि मेरी बेटी की हत्या हो चुकी है मेरी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है शव बरामद हो चुका था दस बजकर दस मिनट दस तारीख को मगर मृत्यु उससे बहुत समय पहले हो चुका था शी वॉज डेड क्वाइट अर्ली इट वॉज डिस्कवर्ड बाई द पुलिस एट टेन टेन ए एम हमें ग्यारह बजे बोला गया कि सुइसाइड किया है आपकी बेटी ने आधे घंटे के बाद और जब हम हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो हमें उस सेमिनार कमरे के बाहर जहां हत्या हुई थी जहां शव था उसके बाहर साढ़े तीन घंटे इंतजार कराया गया वी वी वर फोर्स टू वेट फॉर थ्री एंड हाफ आवर्स इसके बावजूद कि कई लोग उस कमरे में जा रहे थे और आ रहे थे मल्टीपल पीपल वे गोइंग एंड कमिंग फ्रॉम दैट रूम दे वर एंटरिंग द रूम एंड दे वर एग्जिटिंग द रूम बट पेरेंट्स के लिए आप जरा सोच के देखिए एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है जब उनको पता है कि मेरी बेटी या बेटा का शव इस कमरे के अंदर है और वो साढ़े तीन घंटे बाहर इंतजार करते हैं केवल और केवल उसे देखने के लिए और पुलिस उसे अंदर नहीं छोड़ती है उन्हें रोक के रखती है और बार बार पिता बाद में कहते हैं बार बार हमें बताया जा रहा था कि आप यहां मत खड़े होइए आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए वो प्रिंसिपल जो आज गिरफ्तार है मिस्टर घोष आप प्रिंसिपल के कमरे में जाइए और वहां बैठिए हमने मना कर दिया कि हम प्रिंसिपल के कमरे में नहीं जाएंगे हम इसी कमरे के बाहर इंतजार करेंगे साढ़े तीन घंटे इंतजार करने के पश्चात कुछ मिनटों के लिए मुझे अंदर बुलाया गया आप सोचिए ऐसा क्या करना चाहती थी पुलिस ऐसा क्या करना चाहता था वहां का प्रशासन उन साढ़े तीन घंटों में बार बार उनके पेरेंट्स को उनके माता पिता को प्रिंसिपल के कमरे में भेजकर उस एरिया को खाली करा करके क्या करना चाहती थी प्रशासन आखिरकार और सबसे बड़ी बात दूसरे नंबर प्रश्न में उनके पिताजी पूछते हैं कि एक ब्लैंक कागज में खाली कागज में हमें हस्ताक्षर करने कहा गया एंड वी रिफ्यूज हमने मना कर दिया सब अंदर पड़ा है ब, बच्ची का बाहर साढ़े तीन घंटे से माता पिता इंतजार कर रहे हैं और एक ब्लैंक कागज कोरा कागज लाकर पुलिस कहती है आप इसमें हस्ताक्षर कर दीजिए प्रशासन कहता है आप इस कोरे कागज में हस्ताक्षर कर दीजिए वाय ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी है पढ़े लिखे माता पिता हैं मैं तो कहता हूं पढ़े लिखे ना भी हो आप बैठे हैं मीडिया बैठी है जागरूक संसार है uske Bawajut look at the audacity of the administration and the police officials to demand a signature from the father on a blank paper